बांदा गौशाला के रखरखाव हेतु शासन से व्यवस्था की मांग। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड कमासिन का है, जहां पर विकासखंड कमासिन के बेना मऊ मजरा महेड़ में स्वामी सच्चिदानंद महाराज के द्वारा गौशाला में स्वयं के खर्च से लगभग 125 गांवों की खानपान और देखरेख की व्यवस्था की जाती है, जिसका स्वामी सच्चिदानंद महाराज के द्वारा शासन प्रशासन से रखरखाव की मांग की गई है और कहा गया है कि हमारे द्वारा क्षेत्रीय विधायक एवं बांदा चित्रकूट सांसद आदि सभी से गौशाला के विषय में अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक हमारी किसी ने भी समस्या नहीं सुनी और हम उत्तर प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि हमारे गौशाला में बंद जानवरों की भी व्यवस्था की जाए और टीन सेट आदि का प्रबंध कराया जाए, जिससे जानवरों को सुरक्षित रखा जाए और यहाँ की रखरखाव की व्यवस्था का भी ध्यान दिया जाए, जिसके चलते हमारे द्वारा मांग की जा रही है। विकास खंड कमासिन ग्राम पंचायत बेना बहु मजरा महेड़ का पुरवा आज राधा कृष्ण गौशाला पर आए हुए हैं और माननीय श्री सच्चिदानंद महाराज जी की गौशाला पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी गुरु गोरुख गोरखनाथ स्वामी के शिष्य एक गौशाला वहाँ चला रहे हैं। इसी तरह सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी यहाँ चला रहे हैं और आए चल कर के इनसे पूछा जाए इनकी क्या समस्याएं हैं और गौशालाओं को कैसे क्या सेवन कर रहे हैं। और अपने भाई संत ये भी हैं, संत मुख्यमंत्री भी हैं, वो क्या उनका सहयोग कर पाएंगे, क्या ये सहयोग मांग पाएंगे। ऐसी बताएं, पहले सर्वप्रथम आप अपना पहले नाम बताएं कि संतों का कोई नाम तो होता नहीं है। नहीं, जो है मेरा नाम स्वामी सच्चिदानंद। ये क्या गौशाला के विषय में कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे गौशाले में गौओं के लिए जाड़े के लिए बंद मतलब जगह बननी चाहिए, बंद मतलब ईंटा से, और नीचे खरिंजा चाहिए और सौर ऊर्जा हो जाता, पानी बिजली नहीं आती है तो गौओं को पानी की समस्या जाती है। तो क्या अभी तक आपने सांसद विधायक जो है मंत्री किसी को अवगत किया या किसी लोग? नहीं, करा जाता था, सुनाई होती नहीं थी। आपके क्षेत्र के विधायक क्या कह रहे हैं? बोले करेंगे करेंगे, जब दो चार बार गए तो नहीं। आते नहीं है ना, करते हैं तो हम बंद कर दिया आना जाना। अच्छा, हाँ। फिर आप सरकार से क्या चाहना चाहती हैं? अब सरकार से मांग यही हमारी है और मांगता ही रहूंगा, जाते भी रहेंगे। टंकी है।